हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का दिन विशेष दिन होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। षटतिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसमें छह प्रकार के तिल का प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर पहले भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। इस दिन तिल मिश्रित भोजन भी करते हैं। षटतिला एकादशी व्रत के लिए पुलस्त्य ऋषि ने दलभ्य ऋषि को बताया कि माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व होता है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वालों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। षटतिला एकादशी का व्रत करने से अज्ञानता पूर्वक किए गए अपराधों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल या तिल से बनी चीजों का दान किया जाना चाहिए। ऋषिवर ने जिन छह प्रकार के तिल का दान की बात की है वह इस प्रकार है। उसमें पहला है तिल मिश्रित जल से स्नान, दूसरा है तिल का उपटन, तीसरा तिल का तिलक, चौथा तिल मिश्रित जल का सेवन, पांचवा तिल का भोजन, छठा है तिल से हवन। इन चीजों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीजों का दान करें। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की कथा के बारे में। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने वैकुंठपति श्री विष्णु को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनय भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने एक महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुँच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट गया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबरा कर मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देव कन्या आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। उन्होंने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा उस विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। धन्यवाद।